लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश, आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडियन प्रीमियर लीग 2018 की नीलामी से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नेपाल का पहला खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में खेलने वाला है। दरअसल दोस्तों नेपाल की तरफ से खेलने वाले अंडर 19 के खिलाड़ी संदीप लैमचेने को दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने अपनी टीम में जो है वो खरीद लिया है। 20 लाख रुपए की इन्हें रकम दी गई है इस एक रिटेंशन, इसे एक बिडिंग के लिए। मतलब दोस्तों अगले आईपीएल 2018 में संदीप दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों संदीप का परफॉर्मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो कि एसोसिएट नेशंस के बीच का एक टूर्नामेंट होता है, उसमें बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था। इसीलिए स्काउटिंग के जरिए दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें चुना था। बाद में उनसे यह कहा गया था कि आप ऑक्शन में अपना नाम दें। इसीलिए नेपाल के इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दिया था, और फिर दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन पर 20 लाख रुपए की जो है वो बिडिंग की है और उन्हें खरीद लिया है। इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 9 मैच खेले हैं, ये गेंदबाज है, जिसमें इन्होंने दोस्तों 12 विकेट चटकाए हैं। इनका एवरेज जो है वो दोस्तों 28.25 का, और इनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत ही किफायती गेंदबाज है, और 4.59 के इकोनॉमी के साथ जो है वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि एक बहुत नए फ्लेवर के साथ इंडियन प्रीमियर लीग अब सामने आने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के भी 4 खिलाड़ी इस बार आईपीएल की नीलामी में बिके हैं। दोस्तों अब क्या होता है आगे, आईपीएल में किस तरह का रोमांच बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।